अस्सलामुअलैकुम, रीना से किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ बॉम्बे सैंडविच। इसके लिए मैंने ये दो ब्रेड लिए हैं, इसके हम साइड्स कट कर लेंगे। ये देखिए मैंने साइड्स कट किए हैं और एक ब्रेड पे हम ये बटर लगा देंगे और ये साइड में हम केचप लगा लेंगे। यहाँ पे इसके ऊपर हम ये ग्रीन चटनी, इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप देख लेना मैंने ये कैसे बनाई है। ये हम ये बटर के ऊपर लगा देंगे। अब हम इसके ऊपर ये मैंने ककड़ी कट की है, इसके छिलके निकाल लिए हैं और इसे स्लाइसेस में कट किए हैं, ये हम इसके ऊपर रख देंगे। ये हमने रख दिए। अब हम इसके ऊपर ये टमाटर भी मैंने स्लाइसेस में कट किए हैं, वो भी हम इसके ऊपर रख देंगे। अब हमने प्याज भी वैसे ही सेम कट की है स्लाइस में, वो हम इसके ऊपर रख देंगे। और यहाँ पे मैंने लिए हैं ये आलू, मैंने बॉईल किए हैं, उसको भी मैंने ऐसे राउंड शेप में कट किया है, इसको हम इसके यहाँ पे रख देंगे। अब ये हो गया हमारा, हम इसके ऊपर चाट मसाला डाल देंगे। और ये हम इसके ऊपर ऐसा रख देंगे। और यहाँ पे मैंने पैन तवा रखा हुआ है, जो डोसा वगैरह हम बनाते हैं ना वो वाला, उसके ऊपर मैं बटर डाल देती हूँ। ये देखिए हमने बटर लगा दिए, अब हम ये इसके ऊपर रख देंगे। इसके ऊपर हम बटर लगा लेंगे और इसे हम दोनों साइड से सेक लेंगे। अब हम इसे पलट लेंगे। देखिए ये अलट पलट के मैंने इसे सेक लिया है, मैं इसे निकाल लेती हूँ। गैस की फ्लेम को मैं बंद कर देती हूँ। अब हम इसके पीस कट कर लेंगे। ये देखिए मैंने इसे कट कर लिया है, अब हम इसके ऊपर केचप लगा देंगे। और ये मैंने सेव ली है, ये हम इसके ऊपर डाल देंगे। ये देखिए बन गए हमारी बॉम्बे सैंडविच। मैं अब इसे टेस्ट करके बताती हूँ आपको। ये देखिए बहुत अच्छी लग रही है, बहुत टेस्टी लग रही है, यम्मी हो गई है। आप भी ज़रूर इसे बनाना। मैं अब ये मैंने एक इससे बनाई है, अब मैं अलग तरीके से और एक आपको बना के बताती हूँ। इसके लिए भी मैंने दो ब्रेड ले लिए, उसके साइड्स कट की है। सेम मैंने पहला वाला जैसे बनाए थे ना वैसा ही हमको करना है, सिर्फ थोड़ा सा अलग मैं डाल रही हूँ उसके अंदर, वो मैं आपको बताती हूँ। हमने बटर लगा दिया यहाँ पे, दूसरे साइड में हम केचप लगा देंगे। आपको अगर मेयोनीज लगाना होगा तो आप मेयोनीज भी लगा सकते हो। इसके ऊपर मैंने ग्रीन चटनी लगा दी। सेम हमने जैसे किए थे वैसे हमें करना है। ये हमने ककड़ी लगा दी, इसके ऊपर हम टमाटर लगा देंगे, फिर हम ये प्याज लगा देंगे। और ये आलू, इसके ऊपर हम चाट मसाला डाल देंगे। थोड़ा हरा धनिया डाल देंगे।
चिली फ्लेक्स डाल देंगे इसके ऊपर और हम ये देखिए चीज, पहले वाले में हमने चीज नहीं डाला था, इसमें मैं चीज डाल रही हूं। ये वाला मैं चीज ही बना रही हूं। ये मैंने डाल दिया, अब मैं इसके ऊपर ये ब्रेड रख दूंगी। यहाँ पे मैंने तवा रखा है, इस पे मैं बटर लगा दूंगी और ये इसके ऊपर रख दूंगी। इसके ऊपर थोड़ा चीज डाल दूंगी। थोड़ा चिली फ्लेक्स डाल देती हूँ, चाट मसाला, और इसे हम ढक करके 5 मिनट रख देंगे। मैंने ढक करके 5 मिनट रखा था, मैं अब इसे निकल लेती हूँ, गैस की फ्लेम में बंद कर देती हूँ। अब मैं इसे कट कर देती हूँ। देखिए मैंने इसे कट किया है 4 पीसेस में। अब हम इसके ऊपर केचप डाल देंगे। और ये सेव डाल देंगे। अब मैं आपको इसे टेस्ट करके बताती हूँ। ये देखिए बहुत यम्मी हो गया है। आप भी जरूर इसे बनाना चीज से। ये पहले वाली भी जो बनाई थी वो भी बहुत अच्छी थी। ये चीज़ डाला हुआ वो भी बहुत अच्छा है। आप दोनों भी बना लेना, टेस्ट करना आपने बनाने के बाद जैसे मैंने बनाया है वैसे, और कमेंट में मुझे बताना कि टेस्ट कैसी लग रही है। मेरे को तो ये बहुत अच्छी लग रही है। तो आप अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।